पार्टी का मजबूती के लिए ही जो गार्जियन है, जो अभिभावक है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल हमारे पूर्णिया का जनता एकदम एक एक कार्यकर्ता एक एक जनता सभी तैयार है। हमारे जो गार्जियन है आदरणीय पप्पू जी, वो मेरे साथ रहे बिल्कुल। वो गार्जियन है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमारा आएंगे। कि लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया है पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव लगातार इस बात पर अडिग हैं कि हम ना पूर्णिया छोड़ेंगे और ना ही कांग्रेस छोड़ेंगे, हम नॉमिनेशन करेंगे और पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीमा भारती आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचती हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रही हैं बीमा भारती, पहले सुनिए उनके पूरे बयान को। क्या डायरेक्शन मिला है पार्टी की तरफ से? पार्टी का मजबूती के लिए ही जो गार्जियन है, जो अभिभावक है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशीर्वाद दिए, उनका स्नेह प्यार है और पार्टी का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे हम लोग। में कितना तैयार हैं बीमा भारती? बिल्कुल तैयार है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल हमारे पूर्णिया का जनता एकदम एक एक कार्यकर्ता एक एक जनता सभी तैयार है। पप्पू यादव से अपील कीजिएगा, फिर से पप्पू यादव से अपील कीजिएगा कि बिल्कुल गार्जियन है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमारा आएंगे। पप्पू यादव पुनर्विचार की बात कर रहे हैं उस सीट पर? नहीं नहीं बिल्कुल हमारे गार्जियन अभिभावक है और हमारे नॉमिनेशन में जरूर आएंगे। बीमा भारती जी मानते हैं इस बात को कि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं आपके साथ तो फ्रेंडली फाइट होती है, तो इसका फायदा बीजेपी सीधे उठा लेगा, तो क्या कोई बड़ी अपील करेंगे? देखिए अभी चुनाव लड़ने का तो कोई बात नहीं है और हमारे गार्जियन है वो साथ रहेंगे। क्या लालू जी ने खुद भी बात की है पप्पू यादव से या फिर आप? वो तो अन्यथा जानेंगे, लेकिन हमारे जो गार्जियन है आदरणीय पप्पू जी वो मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल आपके माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, गार्जियन है तो बात करना ही है। इस बात का नहीं जानकारी है लेकिन हमारे साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपने सुना बीमा भारती के द्वारा साफ तौर पर ये बातें कही जा रही है कि पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं और वो हमारे नॉमिनेशन में पहुंचेंगे, पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी बातें हैं वो सब कुछ साफ हो जाएगी। पप्पू यादव से मीडिया के माध्यम से बातचीत हो रही है, लगातार बीमा भारती इस बात को दोहरा रही हैं कि पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव अपनी बात पर अडिग हैं, लगातार ट्वीट के माध्यम से अपने बयानों के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि ना हम कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया सीट छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह रहती है कि जदयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामने वाली महिला विधायक बीमा भारती चुनाव लड़ती हैं पूर्णिया से, या फिर पप्पू यादव जिस जिद पर अडिग हैं कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं? यह देखना दिलचस्प रहता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट विहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।